सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष ज्योतेश्वर सिंह की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई, वहीं संचालन गुड्डू सिंह ने किया। विकास स्वामी फूलमाला अर्पण करते हुए आरंभ किया गया। तत्पश्चात पलामू जिले के मंत्री विकास कुमार पाठक ने कहा कि राष्ट्रभूमि और धर्म की रक्षा के बिगुल शिकागो धर्म सम्मेलन से आज के आधुनिक भारत में स्वामी विवेकानंद जी के वाणी लंबे समय तक राष्ट्र के जनमानस को मार्गदर्शन करते रहेगा। राष्ट्र के लिए सच्ची निष्ठा और कर्मठता से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ अखंड भारत की लक्ष्य रूपी एकता ही विकसित राष्ट्र निर्माण के लिए हम युवा का समर्पण ही सच्ची जयंती है। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर भारतीय संस्कृति से विश्व को परिचित कराने वाले स्वामी विवेकानंद जी को मेरा श्रद्धापूर्वक नमन है। उनके दिए गए संदेश राष्ट्र की युवा शक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें देश और समाज सेवा के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहेंगे। चतरा के सांसद प्रतिनिधि सोनू सूद कुमार ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन और मैं सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। विवेकानंद जी के विचारों में वो क्रांति और तेज है जो युवाओं में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार कर उन्हें सदैव प्रेरित करते हैं। मौके पर एक से बढ़कर एक वक्ता ने विवेकानंद स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला, जिसमें किसान मोर्चा के महेश यादव, डाल्टेनगंज विधानसभा के राणा प्रताप कुशवाहा, विधायक प्रतिनिधि वकील सिंह गांधी जी और सुनील विश्वकर्मा, मुकेश कुमार गुप्ता जिला सोशल मीडिया प्रभारी, प्रखंड अध्यक्ष विजय पाठक, सांसद प्रतिनिधि धीरज कुमार साहू, विकास पाठक मुख्य रूप से प्रकाश डाला। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा सदरवा प्रखंड के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती मनाया जा रहा है और पूरा देश युवा दिवस के रूप में इनकी जन्म जयंती को मनाती है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी से, उनके क्रियाकलापों से हम सभी युवाओं को, हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए हम सब कार्य करें और इनके आदर्शों को आत्मसात करें। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार की कार्यशैली को विकसित करने की बात किए और नारियों का सम्मान करने के लिए, नारी सशक्तिकरण के ऊपर किस प्रकार से इन्होंने अपना विचार दिया है, ये पूरे विश्व स्तर का संसार को धर्म और संस्कृति, हमारी जो भारत की धर्म और संस्कृति है उसको बताने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए विशेष रूप से कार्य इन्होंने किया है। इसलिए हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवा दिवस के रूप में इनकी जन्म जयंती को मना रहे हैं और पूरे भारत में निरंतर सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इनकी जन्म जयंती को मनाते आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, भारत माता की जय।